बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं चैनल हकीम सुंदरवी को। मैं आपकी खिदमत में आज मिसाक के लिए, टाइमिंग के लिए तूफ़ानी नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। अक्सर दोस्त व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं कि हकीम साहब, आप सब नुस्खे बता देते हैं लेकिन इमसाक का, टाइमिंग का नुस्खा नहीं बताते। तो मेरे भाइयों, आज फिर आपके लिए यह नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। जो मेरा भाई बनाना चाहता है बना सकता है। अगर किसी को किसी भी किस्म की कोई मशवरे की ज़रूरत हो या कोई बात करना चाहता हो, नुस्खे के बारे में पूछना चाहता हो, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप हमारे मोबाइल नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर रابطہ करें। जब चाहें आप मशवरा ले सकते हैं, लेकिन एक बात जहन में रखिएगा, हमारा जो दवाखाना है 3 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ओपन होता है। तो मेरे भाइयों, अगर आप इसी वक्त के दौरान यानी दोपहर को 3 बजे से लेकर रात को 9:30-10 बजे तक आप रابطہ करेंगे तो आपको फौरी जवाब मिलेगा। अगर आप इसके बाद करेंगे तो फिर लेट हो सकता है। तो मेरे भाइयों, मैं उम्मीद रखता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। आज की वीडियो उन नकारा जो नौजवान, जो मर्द अपने आप को नकारा समझते हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने हाथों से तबाह कर ली हुई है, जो हर वक्त यही सोचते रहते हैं कि मेरा क्या बनेगा। तो मेरे भाइयों, मेरी उनसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और इस पर अमल करें। अगर आप चाहते हैं कि आप यह नुस्खा खुद बनाना चाहते हैं तो खुद बना लें, या फिर हमें अपना मकम्मल मालूमात दें, व्हाट्सएप पर अपनी मर्ज की तशखीस करवाएं। उसके बाद अगर आपको इस नुस्खे की ज़रूरत हुई तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। और अगर आपको इस नुस्खे की ज़रूरत है कि आपको तैयार चाहिए, तो फिर हम आपको आपके घर पर, जो भी आप एड्रेस देंगे, हम वहाँ पहुँचाएँगे। अगर आप हमारे दवाखाना पर आकर ले जाना चाहते हैं तो आपको ये नुस्खा दवाखाना से भी मिल जाएगा। तो मेरे भाइयों, आज दोस्तों के लिए ये नुस्खा मैं पेश कर रहा हूँ। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये नुस्खा बहुत पसंद आएगा। इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल हकीम सुंदरवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन और ही मिलता रहे। तो मेरे भाइयों, आज का ये वीडियो के अंदर ये नुस्खा हम आपको जो बता रहे हैं, ये उन दोस्तों के लिए है जो बिल्कुल गए गुजरे हैं, जो मरीज़ अपने आप को नकारा समझते हैं। इस नुस्खे के इस्तेमाल से चाहे आप जितना भी अपने आप को नकारा समझते हैं, आपके वक्त ख़ास को 4 चांद लग जाएंगे। टाइमिंग आपकी 3 से 5 गुना बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ आपके असाबी कमज़ोरी जो है, असाब के अंदर ताकत आ जाएगी। अगर आपके कमर के अंदर कमज़ोरी हो चुकी है तो वो भी ठीक हो जाएगी। तो मेरे भाइयों, इस्तवाजी ज़िंदगी आपकी बहुत ही कमाल की गुजरनी शुरू हो जाएगी। मेरे भाइयों, इस नुस्खे की एक खुराक जो है आपके लगाए हुए हलाल की रकम, हलाल के पैसे पूरे करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसा नुस्खा मिल जाए, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप दोस्तों को ज़रूर शफा देगा। अगर आपने थोड़ी सी मेहनत करके ये नुस्खा तैयार कर लिया, अगर आप खुद तैयार नहीं करना चाहते तो फिर आपको पार्सल भी मिल जाएगा। तो मेरे भाइयों, ये आपको, ये नुस्खा आपको शर्मिंदगी से बचाने के लिए कमाल का नुस्खा है। अगर आपने इस नुस्खे को इस्तेमाल कर लिया तो
आपकी जो इम्साक की दुरानियाँ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपके अंदर जितनी भी कमज़ोरी है वो ख़त्म हो जाएगी, आपके अंदर शबाब भर आएगा, आपके अंदर ताकत इतनी आ जाएगी, आप एक शादी नहीं दो कराने की ख्वाहिश करेंगे, तो वो बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो मेरे भाइयों, ये नुस्खा क्या है? ये बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है, नोट करें। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल हकीम सुंदरवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपने जो अज्ज़ाए तरकीबी लेने हैं वो नोट कर ले। मैं चाहता हूँ आज की वीडियो कम से कम वक्त में ख़त्म हो और सारे का सारा नुस्खा भी आपको बता दूँ। आपने सबसे पहले नंबर पर आपने जो चीज़ लेनी है वो ज़ाफ़रान है एक तोला, नोट करते जाएं। दूसरे नंबर पर आपने दालचीनी लेनी है वो भी एक तोला। इसके बाद आपने तीसरे नंबर पर जोंद बेदस्तर लेना है वो भी एक तोला लेना है। इसके बाद आपने लौंग लेने हैं एक तोला। इसके बाद जो अकरकरा खालस जो है वो आपने लेना है एक तोला। इसके बाद आपने जेनसेंग बूटी जो है वो भी आपने लाल वाली सुर्ख वाली आपने लेनी है एक तोला। इसके बाद आपने इसके अंदर अंबर स्याह या सफ़ेद जो भी आपको मिल जाए जो आप खरीद सकते हैं वो भी एक तोला लेनी है। मस्की रूमी इसके अंदर एक तोला डालनी है। अब दो चीज़ें इसके अंदर और डालनी है, एक तो स्टिकनी डालनी है एक ग्राम, दूसरे नंबर पर इसके अंदर तरयाक डालनी है वो 5 ग्राम डालनी है। तो मेरे भाइयों, अगर आप तरयाक नहीं डालना चाहते तो इसकी जगह पर इसका नेमल बदल अगर आप डालना चाहते हैं तो हमसे मोबाइल नंबर पर रब्ता करें। तो मेरे भाइयों, ये नुस्खा आपने अच्छी तरह बारीक पाउडर करके मिक्स कर लेना है सवाए ज़ाफ़रान के और अंबर के। तो मेरे भाइयों, इसके बाद आपने ज़ाफ़रान को अलहदा बारीक पाउडर करना है, बारीक पाउडर करके फिर वो मिक्स करनी है। तो इसके बाद अंबर को भी आपने अलहदा बरीच पहले आपने इसको कैंची के साथ या छुरी के साथ इसको काट कर छोटे छोटे टुकड़े करना है, फिर इसको आपने कोशिश करना है लहदा बारीक करने की। तो मेरे भाइयों, जब ये आप इस नुस्खे के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लें तो फिर आपने एक काम और करना है। आपने किसी देहात में किसी डेरे से या किसी पार्क में भी अक्सर इस तरह के पौधे मिल जाते हैं, आपने बोड़ का बड़ा दरख्त देखना है। ये बात जहन में रखें, बोड़ी मादा नहीं होनी चाहिए, नर होना चाहिए। तो बोड़ का दाढ़ी लें 5-10 किलो ले लें जो एक उंगली से मोटी ना हो, उसमें से जो गन्ने से जूस निकालने वाला बेलना होता है, बेलना जिसको कहते हैं, जिससे जूस निकालते हैं, उसमें से इसका पानी निकालें जैसे गन्ने का निकालते हैं। ये आपने बोर्ड की दाढ़ी का पानी जो है 2 किलो लेना है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसके अंदर 1/2 किलो शहद डालकर इसको आग पर रख देना है, या फिर आप शहद बाद में भी डाल सकते हैं, बेहतर तो यही है आप इसको पहले पकाएं यहाँ तक कि ये 1/2 किलो रह जाए। जब ये 1/2 किलो अंदाजे के मुताबिक रह जाए तो इसके अंदर शहद को मिक्स कर दें गरम गरम के अंदर। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जो हमने पहले वाला नुस्खा तैयार किया है वो इसके अंदर मिक्स करें अच्छी तरह ज़ोरदार आता है। अब इसके अंदर 1/2 तोला वर्क नुकरा इसके अंदर मिक्स करना है, या फिर कम अज़ कम 400 से लेकर 500 अदद आप वर्क नुकरा इसके अंदर हिलाते जाएं और मिक्स करते जाएं। तो मेरे भाइयों, ये नुस्खा आप गोलियों की शक्ल में भी तैयार कर सकते हैं, आप इसको मजून की शक्ल में भी तैयार कर सकते हैं। अगर आपने मजून की शक्ल में रखना है तो ऐसे ही रख लें,
तो अगर आपको सख्त लगे तो शहद का इसके अंदर और भी इजाफा कर सकते हैं। तो मेरे भाइयों, ये नुस्खा बहुत ही कमाल का है। अगर आपने इसको इस्तेमाल कर लिया, सिर्फ एक खुराक इस्तेमाल की, तो आपको कितना फ़ायदा होगा आप सोच भी नहीं सकते। तो मेरे भाइयों, इसका तरीक़ेकार जो है, 2 घंटे पहले एक नखुदी गोली जो है आपने इसकी तैयार करनी, या उसके वज़न के मुताबिक आपने 2 गोलियों के बराबर उम्र के हिसाब से इसकी खुराक रखनी है। मैं तो यही कहूँगा कि जो भाई भी इसको तैयार करे वो हमसे रब्ता करे, अपनी उम्र वज़न सेहत का ख्याल रख के उसका वज़न के मुताबिक उसकी सेहत के हिसाब से इसकी मकदार खुराक रखी जाएगी। 1 गोली रखनी है, 2 रखनी है या आधी रखनी है, तो मेरे भाइयों इसके मुताबिक आपने इसको खाना है। इसका फ़ायदा इतना है कि आप सोच नहीं सकते। आप एक बार इस नुस्खे को इस्तेमाल कर लें तो मेरे भाइयों, ये हमारे पास तैयार गोलियां भी मिल जाती हैं, मजून की शक्ल में भी मिल जाती है। जो मेरा भाई तैयार चाहता है अभी से रब्ता करें, इंशाल्लाह हमारे दवाखाना पर आज से ये तैयार हो रहा है नुस्खा। जो दोस्त इसको इस नुस्खे को तैयार लेना चाहता है वो रब्ता कर सकता है। तो मेरे भाइयों, इमसाक के लिए इससे अच्छा आपको नुस्खा मेरे ख्याल में आपको नहीं मिलेगा। इमसाक आपका इतना हो जाएगा आप सोच नहीं सकते, आपकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आपके अंदर ताकत का तूफान बरपा हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, जैसे आप चाहेंगे उसी तरह उसी के मुताबिक आपको ये नुस्खा मिलेगा। इसके अंदर और कीमती अज्जा के साथ भी तैयार किया जाता है जो स्पेशल होता है। तो मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि इससे भी अच्छा नुस्खा तैयार मिले तो वो भी आपको मिल सकता है। मैं उम्मीद रखता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक ठोक कर जाइएगा और हमारे चैनल हकीम सुंदरवी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।